सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पी के बी प्रियम के ब्लॉग्स में। और आज का जो वीडियो है वो है आईआईटी इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। सी एवरी सक्सेसफुल स्टार्टअप इज नॉट फ्रॉम द आईआईएम और आईआईटीज स्टूडेंट्स। काफी सारे ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनका हिंदुस्तान के मार्केट में बोलवाला है या कहो तो डंका बजता है, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो बुक माई शो हो, चाहे हो वो ओयो। ये सभी स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स हैं वो आईआईटी आईएम से नहीं है, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हैं। और यही चीज और यही मैसेज मैं आज तक आपको पहुंचाने आया हूं, क्योंकि कल मेरे चैनल पे एक कमेंट आया था कि भैया मैंने आईआईटी के लिए ड्रॉप आउट किया था और मेरा कल रिजल्ट आने वाला है और आई एम मेक श्योर कि मेरा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, तो मैं अब क्या करूं। काफी लोगों को लगता है कि आईआईटी ही लाइफ का एंड है, तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो या आप इस टाइम काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो तो मैं आपको बोलूंगा इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखना। और वीडियो के एंड में मैं एक सॉल्यूशन के बारे में भी बात करने वाला हूं कि आईआईटी एंड नहीं होता है, और अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप किसको ऑप्शंस रख सकते हो या अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं, ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो। तो यार जैसे कि मैंने आपको बोला, जितने भी फेमस या फिर बोलूं तो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं वो आईआईटीज के थ्रू नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपका आईआईटी में आज पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ट्राई किया, आप फेल हुए, बट जरूरी है कि आपने ट्राई किया। कितनों ने तो ट्राई भी नहीं किया, तो आप उनसे बेटर हो। और भले ही आप आईआईटी के स्टूडेंट नहीं हो बट आज भी आप आईआईटीएन हो और फ्यूचर में भी रहने वाले हो, क्योंकि आप उस रेस के हिस्सा थे और आप कुछ मार्क्स के वजह से, चुनिंदा मार्क्स के वजह से बाहर हो गए हो। इस चीज से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जितना भी सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में 100% दे रहे हैं किसी चीज को पाने के लिए, बट वो 100% इनफ नहीं होता है उस चीज को पाने के लिए। ये काफी डीप बात है कि जिस दिन आप ये समझ जाओगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, हमको लगता है कि मैं तो अपना 100% दे रहा हूं और हम पहले ही अजम्पशन लगा लेते हैं कि डेफिनेटली मेरा आईआईटी क्लियर होने वाला है। बट एकदम से जब कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमारा जो ड्रीम है वो हमसे छिन जाता है, तो हमको लगने लगता है हमारी लाइफ जो है वो एंड हो गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने अभी नई नई साइकिल खरीदी है, आप अभी छोटे हो और आपने साइकिल चलानी सीखी है और आप गिर जाते हो, तो क्या आप साइकिल चलाना छोड़ देते हो? या फिर आपने बाइक ली, आपने बाइक चलाई, आप गिर गए तो आपने बाइक चलानी छोड़ दी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम अपने चलाने के तरीके को बदलते रहते हैं, हम जितनी बार हारे हैं उस तरीके को चेंज करते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब हम परफेक्ट हो जाते हैं साइकिल स्कूटी या बाइक चलाने में। तो इसी तरीके से आईआईटी में भी आप मान लो एक बार फेल हो गए तो उसके अलावा भी अदर ऑप्शंस आपके पास हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो ये एंड नहीं है लाइफ का। अगर थॉमस एडिसन ने हार मान ली होती तो आज हमारे पास लाइट नहीं होती, लाइट नहीं होती तो आप जिस वजह से मेरे को देख पा रहे हो, जो ये उजाला है हमारे रूम में, ये नहीं होता। तो वो ना जाने अपनी लाइफ में कितनी बार हारे हैं या सक्सेसफुल नहीं हुए किसी भी चीज को इन्वेंट करने में, तो उन्होंने ये नहीं सोच लिया कि यार ये चीज पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली पॉसिबल है, बट तरीके और रास्ते बदल जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल और मैं आपको लेना चाहूंगा समझाने के लिए। मान लीजिए आप किसी जगह पर जा रहे हो और उसको दो रास्ते जाने के, एक राइट कट रहा है, एक लेफ्ट कट रहा है, आप दोनों रास्ते से जा सकते हो। आपने लेफ्ट पाथ को चुना, आप लेफ्ट पाथ पे आगे बढ़ गए, बट वहां पे लिखा हुआ है दिस रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन और वो रोड आगे पूरा टूटा हुआ है, तो क्या आपकी लाइफ एंड हो गई वहां पर? क्योंकि आपने एक गलत डिसीजन ले लिया या आप उस पाथ से नहीं निकल पाए? नहीं, आप इतना छोटा नहीं सोचते, क्यों? हमारा माइंड क्लियर है कि अगर ये रास्ता नहीं तो हम इस रास्ते से जा सकते हैं। इसी तरह से लाइफ के अंदर प्लान बी होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों के पास प्लान बी नहीं होता वो लाइफ में डिमोटिवेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और फिर वो उल्टे सीधे जो फैसले हैं वो ले लेते हैं, चाहे वो सुसाइड हो या फिर कुछ और हो। तो वो चीज डेफिनेटली आपको नहीं करनी है, आपको अपनी लाइफ का प्लान बी चूज करना है। और प्लान बी के बारे में हम भी आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, बी अपने लेफ्ट वाले रोड से वापस आओगे और राइट वाले रोड से चले जाओगे, एज सिंपल एज इट इज। यही लाइफ है यार। अगर आपने लाइफ में कोई चीज गलत कर दी, एक चीज आप हमेशा याद करना, आपने आईआईटी की जो प्रिपरेशन की है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाली है। जो हम स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स अपनी लाइफ में करते हैं वही एक दिन बड़े एफर्ट बन जाते हैं और हमें लाइफ में सक्सेसफुल बना देते हैं। और ये चीज जाननी बहुत जरूरी है यार अपनी लाइफ के अंदर। बस आप एफर्ट्स करने में बिलीव करो, अपनी फेलियर को नेगेटिव मत जाने दो, उसको एक पॉजिटिव तरीके से लो, उसको
एक कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर कि ये मेरा जो फेलियर है या जो मेरे को आज मैं हारा हूं, मैं कल को इसी को जीत में बदलूंगा और इस दुनिया में दिखाऊंगा कि हाँ मैंने कुछ करा है अपनी लाइफ में, कुछ उखाड़ा है। अगर आप मर जाते हो, आप कुछ सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हो, आप कुछ कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपने कुछ हासिल नहीं कर लिया। इवन मैं आपको बोलूंगा आप IIT के लायक भी नहीं थे अगर आप कुछ ऐसा डिसीजन लेते हो। आप IIT के लायक तब हो गए जब आप IIT में सिलेक्ट नहीं हुए और आपने कुछ ऐसा कर दिया जो कि काफी IITians या फिर जो IIM से पास आउट है वो नहीं कर पाए। तो आपको बिहेव से कुछ अलग सोचना है। अब हम बात करते हैं अदर वेज की कि अगर आपका IIT या IIM में नहीं हुआ तो क्या आपके पास अल्टरनेटिव है। मैं आपको बता दूं काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने IIT IIM में सिलेक्शन ना होने के बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लिया और अपनी लाइफ में आज बहुत ज्यादा खुश हैं और सक्सेसफुल हैं। मैं आज भी कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम लेता हूं, मैं बोलता हूं अगर किसी का IIT IIM में नहीं हुआ और वो वैसी लाइफ जीना चाहते हैं, वैसा एनवायरमेंट चाहते हैं या वैसी कैंपस लाइफ चाहते हैं, तो कुछ ऑप्शन आज भी आपके पास अवेलेबल है। वो चाहे LP हो, चाहे वो चितकारा हो, चाहे वो UPES हो या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, ऐसी काफी सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। BIT बिल्लौर हो गया या फिर और भी काफी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। और सिर्फ IITs या IIM से मैं आपको बता दूं आज के टाइम पे 60 लाख 40 लाख 50 लाख के पैकेजेस नहीं लगते हैं। LPU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर आपको बोलूं UPS देहरादून ऐसे या फिर चितकारा ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी से भी 1 करोड़ के पैकेजेस आज के टाइम पर जा रहे हैं। तो बस आपकी लाइफ का जो गोल है वो बड़ा होना चाहिए, आप हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आपका माइंड नेगेटिव है तो आपको आना चाहिए कि आपको कैसे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अगर आप लाइफ में ये चीज सीख गए तो डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं हरा सकता, ये चीज मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको ये चीज नहीं बोलने वाला था, बट अब इस वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो मैं अंदर से काफी ज्यादा कनेक्टेड हूं और इमोशनल हूं। तो एक प्रॉमिस मैं आपको करता हूं, अगर आप IIT एस्पिरेंट थे, आप JEE मेंस के एस्पिरेंट थे या फिर आप नीट के एस्पिरेंट थे और आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो लाइफ के अंदर या फिर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपके मन में निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म और साथ में एक व्हाट्सएप रिडायरेक्ट लिंक, साथ में अपनी इंस्टाग्राम ID भी दे रहा हूं। मैं आपको खुद, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो, तो पर्सनल काउंसलिंग दूंगा जो कि 100% फ्री है, मैं उसका कोई भी चार्ज नहीं लेने पा रहा हूं। आपके जितने डाउट्स होंगे मैं क्वेरी करूंगा, कोशिश करूंगा जो लोगों के अंदर मेरे को आग लगेगी उनसे मैं कॉल पे बात करूंगा, जो ज्यादा डिमोटिवेट लगेंगे या कुछ गलत डिसीजन लेने की सोच रहे होंगे तो मैं उनसे डेफिनेटली 1-to-1 कॉल पे बात करूंगा, 1-2 घंटे जितना भी होगा मैं अपना दूंगा मैक्स टू मैक्स और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में ले जाने की कोशिश करूंगा, एक सही करियर पाथ पे आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। तो बस इतना है जो मैं आपकी तरफ से कर सकता हूं, बाकी बैकएंड में टीम भी बैठी है तो आप गूगल फॉर्म और जो व्हाट्सएप रीडायरेक्ट लिंक है आप वो भी भर सकते हो। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के मैं दे दूंगा, आप कोई सी भी एक यूनिवर्सिटी का फिल कर दो और जब आप करियर काउंसलर से बात करो तो उनको बोलना मैं कंफ्यूज हूं इन इन इंस्टीट्यूट्स के बीच में या फिर मेरे को करियर गाइडेंस चाहिए। हम आपको उस यूनिवर्सिटी का, सबसे पहले हम आपको हेल्प करेंगे उस यूनिवर्सिटी को चूज करने में जो कि आपके लिए बनी है या जहां से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को पास कराने से लेके आपकी कॉलेज की रिपोर्टिंग डेट तक हम लोग आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, अपने पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपनी लाइफ में एक सही पाथ पर जाओ और आई होप ये हेल्प आपकी लाइफ बदल सकती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।